नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन में, जहां पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नई नई वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो उसे देखना आप ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक है, वेरियस मोबाइल्स ऐप। कौन कौन से ऐप 2018 में लॉन्च किए गए थे, उन सभी मोबाइल ऐपों के बारे में बताएंगे कि वो किस लिए लॉन्च किए गए थे और किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे आप देखना नहीं भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे YouTube चैनल समृद्धि एजुकेशन की वीडियो अच्छी लगती हैं तो उन्हें आप लाइक करिए, और आपके दोस्तों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को समृद्धि को एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे आप टच करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, तो आप उसे देख लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो की PDF चाहिए तो आप, मेरा नंबर है इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो नंबर है 7800830378, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। तो सबसे पहले बताएंगे कि 2018 में कौन कौन से ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च हुए थे और उनका काम। तो सबसे पहला ऐप है नारी पोर्टल। नारी पोर्टल महिला सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया था, और ये ऐप मेनका गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। नारी पोर्टल ऐप मेनका गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए। एंड नेक्स्ट हमारा है रेल मदद। रेल मदद ऐप यात्रियों के शिकायत निवारण हेतु, यात्रियों के शिकायत का निवारण करने के लिए रेल मदद ऐप का लॉन्च हुआ था, और ये ऐप रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। रेल मदद ऐप रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नेक्स्ट हमारा ऐप है री यूनिट ऐप लापता बच्चों को ट्रैक करने के लिए, लापता जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए री यूनिट ऐप का लॉन्च किया गया था, और ये ऐप सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ऐप सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है खान प्रहरी ऐप। ये खान लिखा है, खान प्रहरी ऐप। इस ऐप का प्रयोग कोयला चोरी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। कोयला चोरी को रोकने के लिए खान प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया था, और ये ऐप कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद आइए नीचे नेक्स्ट ऐप देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है निर्यात मित्र ऐप। नेक्स्ट हमारा है निर्यात मित्र ऐप। निर्यात मित्र ऐप ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका काम था सूक्ष्म लघु और मझिले उद्यमी को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना। निर्यात मित्र ऐप सूक्ष्म लघु और मझिले उद्यमी को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना था इसका, और ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट ऐप है हमारा दर्पण ऐप। दर्पण ऐप ये ऐप डाक बीमा से संबंधित है, डाक बीमा से संबंधित है, इसके लिए लॉन्च किया गया था, और ये ऐप संचार मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नेक्स्ट इसके बाद आते हैं तो ये है सिटीज़न विजिल ऐप। सिटीज़न विजिल ऐप ये ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। सिटीज़न विजिल ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड नेक्स्ट ऐप है हमारा विंग्स मोबाइल ऐप। विंग्स मोबाइल ऐप ये ऐप BSNL द्वारा लॉन्च किया गया था, और भारत की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा है विंग्स मोबाइल ऐप, BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट इसके बाद ऐप है नेता ऐप, NETA नेता ऐप। ये ऐप राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये ऐप राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इस ऐप के द्वारा सांसदों और विधायकों को रेट करना था। और नेक्स्ट ऐप है हमारा उमंग ऐप। उमंग ऐप नागरिकों को एक मंच पर सभी सरकारी सुविधा प्राप्त करना था। उमंग ऐप नागरिकों को एक मंच पर सभी सरकारी सुविधा प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई सहज पोर्टल। ई सहज पोर्टल तो ये ऐप सुरक्षा मंजूरी देने के लिए लॉन्च किया गया था, और इसे गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ई सहज पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसके बाद आते हैं
लास्ट ऐप है, यह आपूर्ति ऐप। आपूर्ति ऐप ई खरीद प्रणाली के लिए किया गया था लॉन्च किया गया था और इसे रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया था। आपूर्ति ऐप रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था। और भी कुछ अन्य प्रमुख ऐप हैं, देख लेते हैं। तो ये पहला आरंभ है, सड़क सुरक्षा प्राप्ति, बिजली भुगतान में पारदर्शिता के लिए। ऊर्जा मित्र है, बिजली कटौती प्रबंधन के लिए। भीम ऐप है, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। और सचेत ऐप है, बैंक में धोखाधड़ी से। और इसके बाद है मदद ऐप पंचायतों से रिलेटेड था। और दिव्यांग सारथी ऐप, ये दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ लास्ट में हमने बताया है आपको, ये अन्य, ये भी ऐप इसे देखना ना भूलिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, इस तो इसे भी एक बार देख लीजिएगा। आरंभ, प्राप्ति, ऊर्जा में, भीम, सचेत, मदद और दिव्यांग सारथी ऐप। तो ये कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, तो इसे आपको देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट लगती है आपके दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी, तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक, फिर से मैं कहना चाहूँगी, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, समृद्धि एजुकेशन को, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इसकी PDF चाहिए तो ये नंबर मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, ये है 7800830378 पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको WhatsApp ग्रुप से जोड़ देंगे, तो आपको वहाँ पर भी PDF मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। तो अगर आपको इम्पॉर्टेंट है लगे इसे, आप इसे पूरा वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।